हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं एजे बल्की और आप देख रहे हैं एजे बल्की इंग्लिश क्लासेज। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इज टू, एम टू और आर टू का वाक्यों में प्रयोग। केवल इज एम आर का वाक्यों में सामान्य प्रयोग आप सभी जानते हैं, लेकिन ये टॉपिक पूरी तरह से अलग है। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को और सीखते हैं इज टू, एम टू और आर टू का वाक्यों में प्रयोग। Uses of is to, am to and are to. The above words are used in the condition when doer does work willingly. उपरोक्त शब्दों का उपयोग उस स्थिति में किया जाता है जब कर्ता यानी सब्जेक्ट स्वेच्छा से कोई काम करता है। If doer works in compulsion, then has to or have to are used in such sentences. यदि करता यानी सब्जेक्ट मजबूरी में, कंपल्सन में कोई काम करता है, किसी दबाव में कोई काम करता है, तो ऐसे वाक्यों में हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग किया जाता है। इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए देखते हैं इसके पैटर्न को, जो कि कुछ इस तरह से है। सबसे पहले है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एम इज या आर, उसके बाद में लगेगा इन्फिनिटिव टू, और टू के बाद में सभी वाक्यों में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के बाद में जो अदर वर्ड्स है, चाहे ऑब्जेक्ट हो या प्लेस हो या टाइम हो। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट दिया है, तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम सभी सेंटेंसेस को है वो समझते हैं। सबसे पहले है सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, जैसे कि आई है, तो आई के साथ क्या लगेगा, एम टू, वर्ब टू यानी एम टू, और उसके बाद में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म टीच, और अदर्स में आया इंग्लिश। तो सेंटेंस हमारा इस तरह से बना है, आई एम टू टीच इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ानी है। इस तरह के जो वाक्य है उनके हिंदी वाक्यों के अंत में ना, नी, ने इस तरह के अक्षर वो आते हैं। अगर हमारा फर्स्ट पर्सन वी है, तो वी के अनुसार क्या लगेगा, आर टू, और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में कोई भी अदर वर्ड्स, जो कि मैंने एक सेंटेंस बनाया है, वी आर टू प्ले क्रिकेट, हमें क्रिकेट खेलना है। यदि हमारा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यू हो, तो यू के अनुसार क्या लगेगा, आर टू, जो कि मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस बनाया है, यू आर टू राइट ए लेटर, तुम्हें एक लेटर लिखना है या आपको एक पत्र लिखना है। यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, जैसे कि ही, सी, इट, दे या कोई नेम, तो उनके अकॉर्डिंग इज टू, आर टू है वो लगेगा, जो कि मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस में है वो दिया है। अगर सब्जेक्ट ही हो, तो ही के अनुसार क्या लगेगा, इज टू, जो कि मैंने एक वाक्य यहाँ बनाया है, ही इज़ टू कम फ्रॉम कोटा, उसे कोटा से आना है। सी इज़ टू डिपॉजिट फी, उसे शुल्क जमा करना है। इट इज़ टू स्टार्ट टुडे, इसे आज शुरू करना है। दे आर टू गो टू जयपुर, उन्हें जयपुर जाना है। राम इज़ टू बाई ए फ्लैट, राम को एक फ्लैट खरीदना है। तो हम इस पैटर्न के अकॉर्डिंग वाक्य वो इस तरह से बनाएंगे। अब देखते हैं इज टू, एम टू और आर टू से बनने वाले अफर्मेटिव सेंटेंसेस को, सकारात्मक वाक्यों को, जो कि कुछ इस तरह से है। सबसे पहला वाक्य है, सी इज टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना है। सेकंड सेंटेंस, आई एम टू राइट एन एप्लीकेशन, मुझे एक आवेदन लिखना है। थर्ड सेंटेंस, वी आर टू अटेंड द बर्थडे पार्टी, हमें जन्मदिन की पार्टी में शामिल होना है। फोर्थ सेंटेंस, राहुल इज़ टू पे मी 5,000 रुपीज़, राहुल को मुझे 5,000 रुपीज़ है वो देने हैं। और आखिर पांचवा सेंटेंस है, सीता एंड गीता आर टू डिपॉजिट फी टुडे, सीता और गीता को आज शुल्क जमा करना है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम कुछ इस तरह से बनाएंगे अकॉर्डिंग टू पैटर्न, पैटर्न को देख करके। नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य में जो डिफरेंस है वो यही है कि हमें इज टू और आर टू और एम टू के बीच में क्या लगाना है, नोट लगाना है, जिससे कि वाक्य वो नेगेटिव बनेगा। तो देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल को। पहला एग्जांपल है, सी इज नॉट टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल नहीं जाना है। सेकेंड सेंटेंस, आई एम नॉट टू राइट एन एप्लीकेशन, मुझे एक आवेदन नहीं लिखना है। वी आर नॉट टू अटेंड द बर्थडे पार्टी,
हमें जन्मदिन की पार्टी में शामिल नहीं होना है। फोर्थ, राहुल इज नॉट टू पे मी 5,000 रुपीज, राहुल को मुझे 5,000 रुपये नहीं देने हैं। और आखिरी एग्जाम्पल पाँचवा, सीता एंड गीता आर नॉट टू डिपॉजिट फी टुडे, सीता और गीता को आज शुल्क जमा नहीं करना है। तो हमने फर्क देखा है कि किस तरह से वाक्यों को सकारात्मक से नकारात्मक बनाने पर इज टू, एम टू और आर टू के बीच है नोट का प्रयोग किया जाता है, और नोट लगाने से वाक्य वो नकारात्मक बन जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कुछ इस तरह से है, इज, एम और आर को हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे और टू है वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा, जो कि कुछ इस तरह से है। पहला सेंटेंस, इज सी टू गो टू स्कूल, क्या उसे स्कूल जाना है। सेकेंड सेंटेंस, एम आई टू राइट एन एप्लीकेशन, क्या मुझे एक आवेदन लिखना है। थर्ड सेंटेंस, आर वी टू अटेंड द बर्थडे पार्टी, क्या हमें जन्मदिन की पार्टी में शामिल होना है। फोर्थ वन, इज राहुल टू पे मी 5,000 रुपीज, क्या राहुल को मुझे 5,000 रुपये देने। आखिरी जो एग्जाम्पल है, आर सीता एंड गीता टू डिपॉजिट फी टूडे, क्या सीता और गीता को आज शुल्क जमा करना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इज आर एम जो क्रियाएँ हैं वो सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे और टू को सब्जेक्ट के बाद। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। तो इसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। पहला एग्जाम्पल है, इज सी नॉट टू गो टू स्कूल, क्या उसे स्कूल नहीं जाना है। सेकेंड एग्जाम्पल, एम आई नॉट टू राइट एन एप्लीकेशन, क्या मुझे एक आवेदन नहीं लिखना है। थर्ड एग्जाम्पल, आर वी नॉट टू अटेंड द बर्थडे पार्टी, क्या हमें जन्मदिन की पार्टी में शामिल नहीं होना है। फोर्थ वन, इज राहुल नॉट टू पे मी 5,000 रुपीज, क्या राहुल को मुझे 5,000 रुपये नहीं देने। और आखिरी एग्जाम्पल है, आर सीता एंड गीता नॉट टू डिपॉजिट फी टुडे, क्या सीता और गीता को आज शुल्क जमा नहीं करना है। तो हमने देखा है एग्जाम्पल के माध्यम से कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से अगर हम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाते हैं, टू से पहले क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे। तो सभी वाक्यों में हमने सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाया, नोट लगाया, और नोट के बाद में क्या लगेगा, टू लगेगा। नोट का जो स्थान है वो हमेशा तीसरा स्थान रहता है, जो कि इन वाक्यों से हमें पता चलता है। डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्य, जिनके मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। तो देखते हैं पहले एग्जाम्पल को, वाई इज सी टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल क्यों जाना है। तो मैंने यहाँ पर शुरू में वाक्य के शुरुआत में क्या लगाया, डब्ल्यू एच वर्ड वाई लगाया है। सेकेंड एग्जाम्पल है, वेन एम आई टू राइट एन एप्लीकेशन, मुझे एक आवेदन कब लिखना है। थर्ड एग्जाम्पल, वेयर आर वी टू अटेंड द बर्थडे पार्टी, हमें जन्मदिन की पार्टी में कहाँ शामिल होना है। फोर्थ एग्जाम्पल, हाउ इज टू राहुल टू पे मी 5,000 रुपीज, राहुल को मुझे 5,000 रुपये कैसे देने हैं। और आखिरी एग्जाम्पल है, वाट आर सीता एंड गीता टू डिपॉजिट टूडे, सीता और गीता को आज क्या जमा करना है। तो यहाँ पर मैंने सभी वाक्यों की शुरुआत में क्या लगाया, डब्ल्यू एच वर्ड लगाया। तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से डब्ल्यू एच लगाने से वाक्य वो किस तरह से वो बनेगा, सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और डब्ल्यू एच वर्ड वाले जो वाक्य उनमें क्या डिफरेंस है, तो वाक्यों को देखने पे हमें पता चलता है। डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज, जो कि कुछ इस तरह से है। पहला सेंटेंस है, वाई इज सी नॉट टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल क्यों नहीं जाना है। सेकेंड सेंटेंस, वेन एम आई नॉट टू राइट एन एप्लीकेशन, मुझे एक आवेदन कब नहीं लिखना है। थर्ड एग्जाम्पल, वेयर आर वी नॉट टू अटेंड द बर्थडे पार्टी, हमें जन्मदिन की पार्टी में कहाँ नहीं शामिल होना है। चौथा एग्जाम्पल है, हाउ इज राहुल नॉट टू पे मी 5,000 रुपीज, राहुल को मुझे 5,000 रुपये कैसे नहीं देने हैं। और आखिरी एग्जाम्पल है, वाट आर सीता एंड गीता नॉट टू डिपॉजिट टूडे, सीता और गीता को आज क्या जमा नहीं करना है। तो हमें ये देखना है कि किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बनने पर हमने सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाया, बस यही डिफरेंस आपको ख़ास तौर से ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इस टॉपिक में हमने इज टू, एम टू और आर टू के जो सेंटेंसेज है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव किस तरह से बनते हैं वो हमने देखे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक्स।